आफ्टरनून गाइस, आज मैं ब्राउनश्वाइग में हूँ तो मैंने सोचा मैं आपको ब्राउनश्वाइग थोड़ा सा दिखाती हूँ। ब्राउनश्वाइग जर्मनी के नॉर्थ साइड में पड़ते हैं और मेरी दीदी भी यहाँ पे रहते हैं, तो चलिए हम लोग का साथ में ब्राउनश्वाइग देखें। ब्राउनश्वाइग रेजिडेंस पैलेस फर्स्ट टाइम में हर्मन कॉर्प 1717 से 1791 तक बनाया था, फिर 1830 में 7 सितंबर में पूरे जल गए। उसके बाद सेकंड टाइम पे 1841 पे कार्ल थियोडोर ऑटमा ने बनाया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में बैडली डैमेज्ड हो गए थे, उसके बाद 1960 में कंप्लीट रिमूव कर दिया। 2006 में ओरिजिनल 600 पार्ट से ये शॉपिंग सेंटर बनाया। अराउंड 150 शॉप्स इनसाइड में है और रेस्टोरेंट्स भी है। हम लोग का अभी शॉपिंग पैलेस के अंदर है जहाँ पे वो शॉपिंग सेंटर है। मेरी दीदी, उसके दो लड़के। ये जो पार्क आपको दिखाई दे रहा है ये उस ज़माने में वो पैलेस के साथ ही था। तब के ज़माने के जो ड्यूक था हर्ट्ज़ोग, वो लोग यहाँ पे घूमने आते थे, वॉक करने आते थे। ये पार्क बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत बनाया है उन लोगों ने। हम लोग फिर से शॉपिंग सेंटर के अंदर आए हैं क्योंकि बच्चों को थोड़ा गाड़ी में बैठना है। आपको दिखाती हूँ क्या कौन सी गाड़ी की मीन कर रहे हैं, वो खिलौने टाइप के। ये देखो, पहले लंच करेंगे उसके बाद दिखाएंगे आपको। देखिए ये है बच्चों की पिज्जा, ये एक, ये दो कान है, ये दो आंख है और इतने प्यारी बनाया। ये एक रैबिट है ना, ये एक रैबिट पिज्जा है। तो यहाँ पे ओपन किचन है, वो ऐसे ही ओपन खाना बनाते हैं, तो मैंने सिर्फ शूट किया आप लोगों को दिखाने के लिए।
खाना ऐसे ही बनते हैं फ्रेश, वो लोग खुद बनाते हैं। राइट साइड में ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, ये है रात हाउस, जो सारे ऑफिशियल वर्क यहाँ पे होते हैं, जो सिंपल हिंदी में हम कहते हैं सरकारी दफ्तर, ये है एक सरकारी दफ्तर। कितने खूबसूरत, कितने प्यारे। है ब्राउनश्वाइग का डोम, सबसे इम्पॉर्टेंट चार्ज ब्राउनश्वाइग में है। ये 1173 में हाइनरिच फॉन लोवेन एज हर्ज़ोग फॉन बायर्न और ज़ाक्सन, हर्ज़ोग इज़ अ ड्यूक, ड्यूक फॉन बायर्न और ज़ाक्सन, बिल्कुल उसके और रेजिडेंस के ऑपोजिट में ही बनाया था। ये है जैक्सन कासल डेंगपर बोर्ड, यहाँ पे ब्राउनश्वाइग है ड्यूक्स की रेजिडेंस था बहुत दिनों तक। अभी एक पार्ट ऑफ एंटोन उल्रिक, हर्ज़ोग एंटोन उल्रिक म्यूजियम की है। Braunschweig City. This is the inside, the main city. Old building in the front. In the front is the school, high school. The name is Little Burg. And now here in the front is the old building. It's the old city. There was also my sister and she's daughter and my son, my husband and my little son. ये है कोल मार्ट प्लेस, ये है सबसे पुराना सेंट्रल मार्केट प्लेस है, यहाँ पे सबसे पुराने होटल भी हैं। और ये सामने देखिए, ये है कोल मार्ट फाउंटेन, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। ये मार्केट प्लेस बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है ब्राउनश्वाइग में। यहाँ पे पहले कोयला के ट्रांसपोर्ट होते थे, दूर दूर से लोग कोयला लेके यहाँ आके बेचते थे, क्योंकि उस ज़माने में कोयले से घर गर्म होते थे, खाना बनाते थे, सब कुछ ना। ये जो सामने बिल्डिंग है, ये है आल्ट गवांट हाउस, ये ओल्ड मार्केट प्लेस पे है। ये उस ज़माने में एज ए गोदाम के हिसाब से यूज़ करते थे। ये है आल्ट मार्क्ट प्लाच, और ये सामने जो आपको फाउंटेन दिखाई दिया, राइट साइड में आएंगे, मैं यहाँ पर दोबारा दिखाती हूँ। ये है मारियन बोनन, ये बहुत फेमस एरिया, ये सेंट्रल एरिया है ब्राउनश्वाइग में।
ये सामने जो फाउंटेन दिखाई दे रहा है ये है रिंगाबोनन। जब ये प्लेस तैयार हुआ था ये रिंगाबोनन यहाँ पे आने वाला था बिठाना था, तब उस ज़माने के मेयर और बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि ये जो स्कल्पचर है ये नैकेट है। ये स्कल्पचर बनाया योगन वेबर ने। जब मेयर चेंज हुआ फिर उन्होंने परमिशन दिया बनाने के लिए, फिर उन्होंने बनाया इसके। देखो इस लेडी के बैक में इसके बाद सारे नाम खुदाई करके लिख दिया जो जो इस बोनन के खिलाफ थे। अब भी देखो मैं दिखाती हूँ इस लेडी के बैक में, ये देखो सारे नाम खुदाई करके लिखा हुआ है। ब्राउनश्वाइग पीपल ब्राउनश्वाइग में रहते हैं। ये ब्राउनश्वाइग की डोम के अंदर है, देखो कैसे दिखती है। ये है ब्राउनश्वाइग की लायन लैंडमार्क। ये है जर्मन यूनिटी स्क्वायर प्लस देयर डॉयचे आइनहाइट। सामने जो बिल्डिंग आ रहे हैं ये वाला, ये हैप्पी रिची हाउस है। ये एक अमेरिकन आर्टिस्ट जेम्स रिची ने डिज़ाइन किया और ब्राउनश्वाइग आर्किटेक्ट कॉनराड क्लोस्टर ने ये बनाया। ये बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत है और ये बहुत फेमस भी है। देखिए आप, सामने ये बिल्डिंग है ब्राउनश्वाइग थिएटर, बहुत बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत है ब्राउनश्वाइग। सो आज मैंने आप लोग को थोड़ा सा ब्राउनश्वाइग दिखाया। बेबी सो गई है, बहुत टायर्ड हो गई है। आज इस वीडियो में आपने देखा कि थोड़ा बहुत मेरी सिस्टर ने भी बात किया, उसे हिंदी नहीं आती है बट वो यहाँ पे जर्मनी में बड़ी हुई है तो उसे जर्मनी ज़्यादा आती है, वो स्कूल के टीचर हैं। और अगर आज के वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको तो पता है आपके लाइक आपके कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, आज के लिए बाय 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 बाय।